तो ये रहा जी अपना घर सामने में। तो फिलहाल मैं पहले पी लेता हूँ चाय, तो फिर उसके बाद जी मिलेंगे। रहा हमारा क्रिकेटर, इसको हम विराट कोहली भी कह सकते हैं। और बंदे की देखो यार हाइट कितनी है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप क्या सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। तो गाइस यार करते हैं आज का व्लॉग जो है इस स्टार्ट। जैसा कि आपने देखा कि पिछले दो चार दिन में मैंने व्लॉग नहीं डाला ना डाल पाया, तो उसका रीज़न जो है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम भी और बुखार भी हो गया था उसके साथ साथ में, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाया। तो फिलहाल जो आज मैं कर रहा हूँ व्लॉग यहीं से स्टार्ट। तो आज मुझे जाना है रैनीपुरा बैंक पे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे वहाँ पे काम है। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं रैनीपुरा की कुछ छोटी मोटी मार्केट भी। तो उसके बाद ये अपना 2 बजे मैच भी है, वो भी आपको दिखाएंगे अच्छे से। तो पहले मैं निकलता हूँ यहाँ से अपने रैनीपुरा की तरफ। फिलहाल जी मैं चल रहा हूँ यहाँ से पैदल, अभी मुझे ज़्यादा मिनट तो नहीं लगेंगे, कम से कम 15 मिनट मुझे लग जाएंगे रैनीपुरा पहुँचने में। तो पहले पहुँच लेते हैं वहाँ पे, जो भी अपना काम है वहाँ निपटा लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आज तो फ्राइडे का दिन है, क्योंकि ऊपर से हमें जल्दी वापस आना है, उसके बाद नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद जी 2:30 बजे अपना मैच भी है, तो वो भी खेलने जाएंगे। तो फिलहाल चल रहे हैं यहाँ पे पैदल, क्योंकि अपने पास कोई गाड़ी वगैरह तो है नहीं कि जिसमें बैठ के जल्दी से आ जाएँ, जल्दी से चले जाएँ। तो इस वजह से मैंने किसी से मांगी भी नहीं, अगर किसी से मांगेंगे भाई हमें दे दो गाड़ी 10-15 मिनट लगेंगे हम वापस आ जाएंगे, अगर उसने ना दी तो फिर आप समझ सकते हैं भाई कैसा फील होता है उस टाइम। तो इस वजह से मैं पैदल चल रहा हूँ, मैंने बोला चलो जैसे वैसे तो ऐसे अच्छे से वापस आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा कभी ना कभी, तो अपने पास भी होगी। तो फिलहाल उम्मीद जो है वो बरकरार रखी है मैंने यहाँ पर। तो फिलहाल चल रहे थे वहाँ पर, पहले पहुँचते हैं रैनीपुरा जल्दी से, उसके बाद जो अपना काम है सब निपटा के फिर जल्दी से वापस आएंगे। 2 hours later ये रही जी अपनी रैनीपुरा जेके बैंक। तो फिलहाल जो मैं चला गया था अंदर, तो मैंने जो भी मेरा काम था तो वो निपटा के वापस आया। तो इसके बाद जी ये, तो फिलहाल जी ये रही रैनीपुरा की कुछ मार्केट। तो अच्छी खासी मार्केट है, जो ज़रूरत का सामान हो तो वो मिल जाता है। तो वो अगर आप देख पा रहे होंगे आगे में हो गया सोमू स्टैंड, उसके बाद जी ये वाली रोड जो है तो ये जाती है सीधा डीठू और चित्रगुल में। तो फिलहाल तो मुझे अभी घर जाना है वापस, क्योंकि नमाज का टाइम भी ऊपर से हो गया। तो पहले पढ़ लेते हैं घर पे जाके नमाज, उसके बाद जी अपना मैच भी है 2 बजे, तो वो खेल लेते हैं। तो पहले निकलते हैं अपने घर की तरफ जी, निकलते हैं। 2 hours later फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, मैं छुप जाऊं। तो फाइनली गाइस मैं वापस आ गया रैनीपुरा से। तो अभी मैं जस्ट अपने घर से इस साइड में खड़ा हूँ, अभी यहाँ पे जी रही अपनी मस्जिद। तो उसके साथ में जी अभी का टाइम हो रहा है 12:30 बजे, तो मैं जल्दी वहाँ से वापस आएगा, क्योंकि रियाज भाई का शुक्रिया, क्योंकि उसने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी अपनी बाइक पर। तो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर, तो फिलहाल मैं जाता हूँ घर पर, तो खाना वाना खा के तो निकलता हूँ नमाज की तरफ। तो उसके बाद जी अपना मैच तो वो भी करेंगे आज कम्प्लीट। तो निकलता हूँ पहले मैं घर की तरफ। तो फिलहाल गाइस मैं खाना खा के आ चुका हूँ, तो ये रही जी अपनी मस्जिद और मैं जा नमाज पढ़ने के लिए। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप बहुत अच्छे से निकल के आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा धूप। तो मैं फ़िलहाल में पढ़ लेता हूँ नमाज जी, उसके बाद जी मिलते हैं आपसे नमाज पढ़ के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ के जी मैं सीधा चल रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ इस वाली कुछ लोकेशन पे, तो वो सामने मेरा वहाँ आगे आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे हमारा जंगल भी है, तो और साथ में वहाँ पे भी मैच वगैरह खेलते हैं, तो बहुत ही अच्छा ग्राउंड है। तो दूसरा ग्राउंड भी हमें है वहाँ नीचे में, तो वहाँ भी जाते हैं खेलने के लिए, लेकिन आज इस जगह इन्होंने ट्रॉफी खोली है तो ये यहाँ पर खेल रहे हैं। तो फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा नहीं खेलता हूँ, कभी कभी यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि बंदा घर पर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। इस वजह से मैं आया, मैंने बोला टाइम पास भी हो जाएगा, चलो साथ में भी थोड़ा बहुत भी खेल भी लेंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो मैं फिलहाल चल रहे हैं यहाँ पे पैदल, तो पहले पॉइंट लेता हूँ वहाँ पे, तो फिर दिखाता हूँ आपको वहाँ का आगे का सीन। तो ये रहा जी अपना ग्राउंड, और इसमें अभी चल रहा है मैच, तो खेल रहे हैं ये।
तो और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, पूरे हमारे गांव के आधे बंदे यहां पे है। तो इस साइड में भी देखिए और ये ऊपर वाले साइड में भी। तो फिलहाल जी खेल रहे हैं यहां पे, पहले देख लेते हैं इनको, उसके बाद जी खेलते हैं हम खुद। फलक तक चल साथ मेरे को हुई हरारत, रातों को करे शरारत, बैठा है खिड़की पे तेरी। शाबाश शाबाश शाबाश। ओ भाई तो भाई साहब देख सकते हैं ये जी रहा हमारा क्रिकेटर, इसको हम विराट कोहली भी कह सकते हैं। और अच्छा और बंदे की देखो यार हाइट कितनी है, तो देखो बैट उठाइए, ग्लव्स वगैरह पहनने, पैड लगाए यहाँ पे। क्या कुछ कहना चाहते हो? ये रहा जी हमारा दूसरा, इसको आप ऋषभ पंत भी कह सकते हो। Two hours later. तो भाई साहब जो अपना मैच था वो हो चुका है कैंसिल, अभी बता रहे हैं कि आपको खेलना है सुबह। तो फिर हमने आपसी में थोड़ा बहुत यहाँ पे खेला, तो अभी दिन के हो रहे हैं जी 5:30 बज चुके हैं। तो अभी घर वाले भी फ़ोन कर रहे हैं, बोल रहे घर पे आओ, कुछ काम है वहाँ पे। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी घर की तरफ, तो मिलते हैं आपको घर पर जाके। फिलहाल जी मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर, तो ये रहा जी अपना घर सामने में। तो फिलहाल मैं पैदल पी लेता हूँ चाय, तो फिर उसके बाद जी मिलेंगे। अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि जूते वगैरह से यहाँ पे कोई नहीं है। तो देख सकते हैं ये ऊपर से अजान भी हो गई। तो ये फिलहाल जी मैं चल रहा हूँ अंदर, तो देख सकते हैं ये जी। तो इस साइड में रहा जी अपना रूम, तो ये रहा जी अपना रूम जिसमें मैं सोता हूँ। तो इस साइड में देखिए, तो उसके साथ में ये थोड़ी बहुत कुछ डेकोरेट मैंने यहाँ पे किया है। तो फिलहाल मैं यहीं पे सोता हूँ, तो उसके बाद जी यहाँ पे भी थोड़ी बहुत रखी है मैंने, तो ये कल लगाऊंगा यहाँ पे मैं। तो बाकी कैसा लगा मेरा रूम आप कमेंट करके ज़रूर से बताना। करते हैं जी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर ये मेरा ब्लॉग वीडियो आपको किसी रीज़न से भी पसंद है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। अभी आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो 1K इसी वीडियो में आप करवा देना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।